Morning students, today we are here again with a new chapter of Vistas book, fourth chapter, The Enemy by Pearl S. Buck. We have two main characters in this chapter, Dr. Sadao and Hana. So, Dr. Sadao is a Japanese doctor who marries Hana because she was a Japanese. डॉक्टर सदाओ ही वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी. जो डॉक्टर सदाओ है उसको अमेरिका भेजा गया किस लिए? सर्जरी और मेडिसिन के लिए, स्टडी के लिए. एंड ही मीट्स हाना देयर. वहां पर उसको हाना मिलती है और हाना जो कि एक जापनीज गर्ल होती है, जब तक डॉक्टर को नहीं पता लगता कि हाना एक जापनीज गर्ल है तब तक वो उसको पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसको पता लग जाता है कि वो एक जापनीज है देन वो डिसाइड करता है उससे मैरिज का, और वो मैरिज करते हैं हाना एंड डॉक्टर सदाओ अकॉर्डिंग टू जैपनीज कस्टम. और उनके दो किड्स हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है बेटा. उसके बाद बताया गया है कि जो उनका घर था वो एक सॉलिटरी हाउस ऑन सी शोर, उस एरिया के अंदर, उस जगह पर, उस सी शोर पर एक अकेला उनका वो घर था. एंड अमेरिकन सोल्जर वॉश अशोर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर सदाओ एंड हाना अपने घर के बाहर जो घूम रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक कोई चीज जो है पानी में उनको नजर आती है और वो फटाफट से देखने के लिए जाते हैं. तो वहां पर एक अमेरिकन सोल्जर उनको नजर आता है जो शायद किसी सी वेव्स के साथ बहकर उनके घर के बाहर आ गया है और वो अनकॉन्शियस होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सदाओ हेल्प्ड. डॉक्टर सदाओ जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि किसी भी इंजर्ड को वो क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा. तो वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है एंड फाउंड हिम शूट एट बैक. और वो क्या करता है, वो ये देखता है, उसको पूरा चेक करता है, पता चलता है कि उसकी बैक पर शूट किया हुआ है और वो उसको अपने घर ले जाता है. ही वॉज इन डायलिमा कि वो क्या करे, ये सोच के कि वो जब उसको चेक करता है कि उसको एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है और वो जापनीज होते हैं, अमेरिका और जापान के अंदर वॉर चल रही होती है, उसको लगता है कि अगर वो उसको अपने घर ले जाएगा तो मे बी उसको एक ट्रेटर मान लिया जाए, उसको मान लिया जाए कि उसके अंदर पैट्रियोटिज्म नहीं है. लेकिन वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तो वो उसको अपने घर पर ले जाता है. घर ले जाने के बाद वो क्या करता है, जब उसके सर्वेंट्स को पता लगता है कि वो एक अमेरिकन POW है, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि उसको घर में नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर को उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए. डॉक्टर कहता है कि उसके जो वाउंड्स हैं, जो इंजरीज हैं, उसको वॉश करके उसको ट्रीटमेंट देना, ऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी वो बुलेट जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन जो सर्वेंट्स हैं वो मना कर देते हैं हेल्प के लिए. फाइनली हाना रेडी होती है, फर्स्ट टाइम वो ऑपरेशन देख रही होती है. अभी डॉक्टर सदाओ ऑपरेट करते हैं एंड रिमूव्स बुलेट, और जो वो गोली उसको लगी होती है वो उसको बुलेट को निकाल देते हैं. सर्वेंट्स बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं डॉक्टर के इस बिहेवियर से, उसको ये देख के कि वो ऑपरेट कर रहा है एक POW का जो कि एक अमेरिकन सोल्जर है. वो क्या करते हैं, वो जो है सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्टलेस होने के बाद वो ये बात सोचते हैं कि इसको तो डॉक्टर को, पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए. डॉक्टर ने कहा कि पहले मैं इसका ट्रीटमेंट तो कर दूं, उसके बाद हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे. लेकिन जो सर्वेंट्स हैं वो नहीं मानते और वो उसका जो डॉक्टर सदाओ का घर है उसको छोड़कर चले जाते हैं. डोंट वर्क दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह भी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया. अब उसके बाद जब सर्वेंट्स चले जाते हैं, हाना ने अपने हस्बैंड की पूरी हेल्प की उसको ऑपरेशन करने में, और कुछ दिनों के बाद उसको ऑपरेशन के बाद उस सोल्जर को रिलीफ मिल गया, बहुत मतलब बेटर फील करने लगा वो. अब क्या हुआ, एक मैसेंजर जो था इन यूनिफॉर्म अराइव, यूनिफॉर्म में मैसेंजर पहुंचता है जो कि जनरल का मैसेंजर होता है. हाना उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, शी फेल्ट पैरालाइज विद फ्राइट. वो डर जाती है कि शायद सर्वेंट्स जो हैं मस्ट हैव कम्प्लेन, उन्होंने कम्प्लेन कर दी होगी कि इन्होंने अपने घर पे एक अमेरिकन को शेल्टर दिया हुआ है. बट जो जब वो उनको पता लगता है कि ही गेट्स मैसेज फ्रॉम जनरल, जो जनरल है उसने, क्योंकि वो बीमार होता है, उसने अपनी एलिमेंट का क्योर करने के लिए डॉक्टर सदाओ को बुलाया होता है, दैट्स वाई उसका मैसेंजर होता है यूनिफॉर्म के अंदर.
जब वो उसको पता लगता है कि वो जनरल के मैसेंजर है, वो बड़ा कंफर्टेबल फील करती है। सदाओ बताता है जनरल के, जनरल जो है सदाओ को बुलाता है। सदाओ टेल्स जनरल अबाउट POW, POW नेम क्या था उसका, टोम। टोम के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे जो है एक जो वो मिला है एक सोल्जर वहां पे सी शोर के पास, तो वो सजेस्ट करता है सोल्जर वो जो जनरल है कि वो अपने दो प्राइवेट असेसेंस भेजेगा उसको किल करने के लिए, ताकि उससे जो डॉक्टर है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा, और क्योंकि वो डॉक्टर के ऊपर ही फेथ कर सकता था अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब उसको वो कहता है कि कोई बात नहीं, तो टेंशन फ्री हो जा, मैं अपने दो प्राइवेट जो असेसेंस है जो उसके अपने बंदे हैं वो भेज देगा किल करने के लिए। जो डॉक्टर है 3 रात तक वेट करता रहता है, बाहर तूफानी रात है, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी प्राइवेट असेसेंट जो है नहीं पहुंचता। अमेरिकन सोल्जर जो है वो पहले से काफी बेटर फील कर रहा है, ठीक हो चुका है, और डॉक्टर सदाओ को थैंक्स कहता है हेल्प के लिए। सदाओ को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है अब अमेरिकन को अपने साथ और रखना। सदाओ फाइंड्स डिफिकल्ट टू कीप अमेरिकन एनी लोंगर एंड ही डिसाइड्स टू हेल्प हिम टू एस्केप। अब जब डॉक्टर है उसने उसको क्योर तो कर दिया, लेकिन वो क्योंकि एक एनिमी है वो उसको अपने घर पे नहीं रख सकता। द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट्स वाई द एनिमी। अब वो क्या कहता है, अब वो सोचता है कि मैं इसको यहां से भगा देता हूँ, एस्केप कर हो जाना चाहिए इसका। ही प्रोवाइड्स हिम बोट। अब वो उसको एक बोट देता है, फूड, वाटर, क्विल्स और फ्लैश लाइट देता है, ताकि अगर उसको कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको 3 टाइम वो फ्लैश लाइट देगा, उसको समझ में आ जाएगा कि वो किसी प्रॉब्लम में है। लेकिन वेट करता है कि कोई फ्लैश लाइट आए, कोई भी फ्लैश लाइट नहीं आती। इट मीन्स कि उसको समझ में आ जाता है कि अब जो है वो POW बहुत इजीली पहुंच गया है। आस अमेरिकन टू सेल टू द आइलैंड। उसने बोला उसको अमेरिकन को कि आगे एक आइलैंड है, तू वहां तक चला जाए बोट लेके, एंड स्टे देयर टिल ही फाइंड्स अ कोरियन फिशिंग बोट। वहां आगे जाकर उसको एक कोरियन फिशिंग बोट मिल जाएगी, और जब वो मिल जाएगी तो उसके बाद वो इजीली जा सकता है। जनरल अगेन कॉल्ड सदाओ, उसको कहता है, टेल्स जनरल दैट POW हैज एस्केप्ड। जो जनरल है वो उसको दोबारा से सदाओ को बुलाता है, और वो जाके सदाओ जनरल को बता देता है कि वो भी वो जो POW था, जो अमेरिकन था, वो भाग गया है। उसके बताने के बाद जनरल को रिकॉल होता है कि वो भूल गया अपने बंदे भेजना, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से भूल ही गया वो जो दो बंदे उसने कहा था मैं अपने भेज दूंगा। सदाओ अब जो है ये रियलाइज करता है कि अब वो सेफ है, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने अब उसको वहां से इजीली एस्केप करवा दिया, उसको कोई खतरे की बात नहीं है। अब जो सर्वेंट्स हैं उनको पता लगता है कि उनके मालिक ने वापस उसको भेज दिया है, वो भी रिटर्न अपने घर पर वापस आ जाते हैं, और जो सब चीजें हैं थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं पहले की तरह। सदाओ डजंट नो व्हाई ही सेव्ड हिज लाइफ एंड नॉट किल्ड हिम। चैप्टर के एंड में सदाओ बैठकर ये सोच रहा होता है कि वो उसको मार क्यों नहीं पाया, या उसने उसका इलाज क्यों किया, उसने उसकी लाइफ क्यों सेव की, वो नहीं समझ पाता। बेटा ये जो चैप्टर है द एनिमी, ये इस स्टोरी पर बेस्ड है कि एक डॉक्टर ने अपने एनिमी को एक एनिमी ना समझते हुए अपने प्रोफेशन, अपनी ड्यूटी को, मतलब अपने डॉक्टर ने अपनी एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी ड्यूटी निभाई, एज ए डॉक्टर भी उसकी ड्यूटी निभाई, और उसने अपनी उसको जो है ड्यूटी को पूरा किया। ये स्टोरी है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।